फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जिसने एक यूट्यूब चैनल से एक यूनिकॉर्न कंपनी बनने तक का सफर पूरा किया है। इस कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन को $1 बिलियन के भी पार पहुंचा दिया है और ये स्टार्टअप अब 8,000 करोड़ की एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला के बारे में, जिसके फाउंडर और सीईओ हैं अलक पांडे, जिन्होंने अपने वर्षों के निरंतर प्रयास और कठिन परिश्रम से इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अलक पांडे, जिनके स्टार्टअप या फिर यू कहें एक एजुकेशनल स्टार्टअप को हाल ही में यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। अलक पांडे को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पढ़ाने के लिए जाना जाता है और उनके पढ़ाने के अंदाज को लेकर वो अपने स्टूडेंट्स में काफी प्रचलित भी हैं और सभी बच्चों को उनका पढ़ाने का ये अंदाज काफी पसंद भी आता है, जिसकी वजह से ही फिजिक्स वाला आज सबके दिलों पर छाया हुआ है। अलक पांडे की कंपनी देश की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है और आपको बता दें कि ये देश की पहली ऐसी एड टेक कंपनी है जिसे सीरीज ए फंडिंग के जरिए यूनिकॉर्न में शामिल होने का मौका मिला है। अलक पांडे प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके परिवार में उनके माता पिता और एक बहन है। पहले उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी और एक समय तो ऐसा भी आया जब उनके माता पिता ने अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना घर भी बेच दिया था। घर की ऐसी परिस्थिति के बावजूद भी अलक पांडे पढ़ने में बहुत अच्छे छात्र थे। अलक पांडे की प्राथमिक शिक्षा प्रयागराज से ही पूर्ण हुई थी। बताते चले कि उन्होंने 10th में 91% और 12th में 93.5% का स्कोर किया था। धीरे धीरे घर की परिस्थितियों को समझते हुए उन्होंने अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद अलक पांडे ने एक कोचिंग में ₹3,000 महीना में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बात करें उनके शुरुआती सालों की तो हम उनके स्कूली दिनों से ही शुरू कर सकते हैं। जब परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अलक ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था तो उनकी टीचिंग में रुचि तो पहले से ही थी, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने के बाद उनका टीचिंग से एक अलग ही प्यार हो गया था और यही एक वजह भी थी कि उन्होंने टीचिंग को ही आगे चलकर अपना करियर बना लिया। एक इंटरव्यू में अलक पांडे कहते हैं कि उनकी रुचि पहले एक्टिंग में थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने 8वीं कक्षा से ही छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। उस वक्त पढ़ाना उनकी ज़रूरत थी, लेकिन आज पढ़ाना उनका शौक और उनका पैशन बन चुका है। उनका कहना है कि उन्हें पढ़ाने में मज़ा आता है। 12th करने के बाद अलक पांडे ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। उनके पिता ने इंजीनियरिंग पूरी करने के लिए उनके लिए लोन भी लिया था। हालांकि अलक ने इंजीनियरिंग पूरी नहीं की और 3rd ईयर में ही वो इंजीनियरिंग छोड़कर घर वापस आ गए। प्रयागराज वापस आकर अलक एक कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाने लग गए। उनके पढ़ाने के स्टाइल से प्रभावित होकर कोचिंग के प्रबंधक ने उन्हें एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का आइडिया दिया, जिसके बाद उन्होंने 2015 में अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम उन्होंने फिजिक्स वाला रखा। शुरुआत में उन्हें इससे कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन उन्होंने लगातार इस पर वीडियो डालना जारी रखा और इसके बाद 2017 में उन्होंने फुल टाइम यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और इसमें उनके साथ IIT BHU से इंजीनियरिंग किए हुए प्रतीक महेश्वरी भी बच्चों को पढ़ाने लगे। 2020 में कोविड के कारण लगे लॉकडाउन में नीट और IIT की तैयारी कर रहे बच्चों को इसका बहुत लाभ हुआ और इसी बीच में उनका यूट्यूब चैनल भी ग्रो करने लगा और इसी साल अलक पांडे ने प्रतीक महेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड को बतौर कंपनी रजिस्टर करवा लिया। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये भी बताया है कि उनकी इतनी सफलता का कारण उनके स्टूडेंट्स ही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ही उन्हें मॉडिफिकेशन करने की सलाह देते रहते, जिसके चलते उनका चैनल दिन प्रतिदिन ग्रो होता रहा है और वो आज भी बच्चों के कहने पर अपने पढ़ाने के तरीकों और भी अन्य तरीकों में बदलाव करते रहते हैं। कुछ समय के बाद बच्चों की मांग पर फिजिक्स वाला ने अपने ऐप को भी लॉन्च किया,
उनके चैनल की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि ऐप को 50 लाख बच्चों ने एक साथ डाउनलोड भी कर लिया। इसी पॉपुलैरिटी का नतीजा था कि कोचिंग वर्ल्ड में मशहूर कोचिंग्स में से एक कोचिंग ने अलक पांडे को बढ़ते कंपटीशन के चलते 75 करोड़ सालाना का पैकेज ऑफर किया, जिसे अलक पांडे ने ठुकरा दिया। जहां एक और बड़े बड़े कोचिंग्स बच्चों को लाखों रुपए के पैकेज में तैयारी करवा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अलक पांडे का फिजिक्स वाला सिर्फ 999 रुपए में बच्चों की तैयारी पूरी करवा रहे थे। इसी कारण से ही उन्हें ये ऑफर दिया गया था और जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। उनका कहना था कि इस सुविधा को देश के उन बच्चों तक पहुंचाना है जो पैसों की तंगी के चलते तैयारी नहीं कर पाते। आज अलक सर की कंपनी उन प्रॉफिटेबल स्टार्टअप में से है जिसमें 6 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, 1500 से ज्यादा टीचर्स और 350 करोड़ रुपए की आय शामिल है। अलक पांडे का कहना है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल फिजिक्स वाला को और बड़ा और ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए यूज करते हैं। उन्होंने फिजिक्स वाला को अलग अलग परीक्षाओं की तैयारियों और ऑफलाइन और ऑनलाइन अलग अलग भाषाओं में अपने सेंटर्स भी खोले हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी फिजिक्स वाला अलक पांडे की एक कहानी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नई वीडियो में।